आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज यूरोन नेटवर्क। कोरोना को लेकर मथुरा में भी हाहाकार शुरू हो गया है। मथुरा के प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने ऑक्सीजन गैस न मिलने को लेकर बीएसए कॉलेज से लेकर होली गेट तक जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। शहर के हृदय स्थल होली गेट पर खड़ी इन एम्बुलेंसेज को आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके द्वारा ये हड़ताल कर दी गई है। ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के कारण इनके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है, ये विरोध किया गया है। होली गेट पर इनके द्वारा अपनी अपनी एम्बुलेंस लगाकर जाम लगा दिया गया और इन सभी एम्बुलेंस चालकों में ऑक्सीजन बेचने वालों के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। होलीगेट चौराहे पर एम्बुलेंसों का जमावड़ा लगने की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने एम्बुलेंस चालकों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके आक्रोश के आगे पुलिस की एक न चली। मौके पर एसडीएम रामदत्त राम पहुंचे। उन्होंने एम्बुलेंस चालकों को समझाते हुए अधीनस्थों को विभिन्न माध्यमों से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद ही एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंसों को लेकर गंतव्य स्थलों की ओर रवाना हुए। इस संबंध में इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा ये जानकारी दी गई। सर, एम्बुलेंस की हड़ताल थी, क्या वजह रही और क्या निष्कर्ष निकला है? होली गेट पर कुछ एम्बुलेंस चालक जो आए थे, यहाँ पर उनका कहना था गैस नहीं मिल रही है। इस संबंध में सिटी साहब से बात की, फिर उन्होंने एसडीएम साहब का नंबर दिया, उनसे उन्होंने वार्ता की और जहाँ से गैस मिली है उनसे भी वार्ता की, उन्होंने कहा गैस मिलेगी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नंबर उठला दिए गए हैं और एसडीएम साहब का नंबर दे दिया गया है। अगर कहीं नहीं मिलती है या कहीं शिकायत आती है तो वो मुझे और उसके अधिकारी को बताएंगे और गैस लेने के लिए दे दिया गया। मैं गेट पर आया हूँ जहाँ सूचना मिली थी कि कुछ एम्बुलेंस को ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पा रही है। तत्काल आने के बाद ये पता चला कि जो उनको यूनिवर्सल गैस जो है रिफाइनरी के पास वहाँ से उपलब्ध होगी, तो उनको डायरेक्शन दे दिया गया। वहाँ हमारा जो है डॉक्टर बैठे हुए उसके वाले औषधि वाले गौरी शंकर, वो उनको बता दिया गया और उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, 500 रुपये का सिलेंडर 1500 में बिक रहा है, उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? अगर इस तरह की सूचना मिले तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी। सर, चालक अपने आप जो है शिकायत कर रहे हैं, उसके बाद फिर जाँच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी, नहीं लगता है? सबसे पहले है कि सबसे पहले कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है तत्काल उपलब्ध कराया जाए। ये जांच विषय तो अलग का है, लेकिन ये जांच इसमें होगा, लेकिन पहले जो है ऑक्सीजन तत्काल उपलब्ध हो जाए इसकी व्यवस्था की जा रही है। सर, बात की जाए तो जो 13 टावर के सामने एक ऑक्सीजन जो गैस वो है जो गोदाम है वहाँ पर वो ताला डाल करके भाग गया, वो क्या कारण है? अभी हमें तो उसके बारे में जानकारी नहीं, आपके द्वारा संज्ञानित हो रहा हूँ। अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं सर, क्या कार्रवाई होगी? चालक संचालक बता रहे थे कि वही 300 रुपये का सिलेंडर 1500 का।